नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज कुछ स्पेशल लेके आए हैं जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे, यानी टीचर की जो वैकेंसी आ रखी है हमारे राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड, ठीक है, लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें एलडीसी की, इसके साथ साथ बात करें अपन वनपाल, ठीक है, वनपाल एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है। तो इन सब जो भी हमने मैथ का पोर्शन है, जो भी मैथ्स का पोर्शन यूज हो रहा है वो अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो मेनली मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर कि सभी को कवर हो जाए, सभी टॉपिक अपने कवर हो जाए। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि इनका कॉमन जो पोर्शन है, जैसे इनके अंदर जो कॉमन चैप्टर हैं जो कि थर्ड ग्रेड के अंदर भी हैं, एलडीसी के अंदर भी और वनपाल या वनरक्षक में भी अपने पास है आए थे, हम उनको अपन सबसे पहले दे रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेस आज से अपनी स्टार्ट होगी और मेरी कोशिश रहेगी मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपका है वो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा। चलिए सबसे पहले अपन वैसे पढ़ेंगे परसेंटेज, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत से पहले एक चीज हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित संख्या, सॉरी मिश्रित भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न, मिश्रित भिन्न के बारे में अपन बात करेंगे। मिक्स जो भिन्न है वो अपने परसेंटेज में काम आएगी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ परसेंटेज में ही काम नहीं, बल्कि आप चाहे सीए ही पढ़ लेना, चाहे ऐसा ही पढ़ लेना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेना, साधारण ब्याज पढ़ लेना, या परसेंटेज पढ़ लेना, या लाभ हानि पढ़ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेना, उन सब में इस चीज का तो आपके पोर्शन काम आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं, चलिए अपन पढ़ रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं किसे बेटा, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 5 + 2/3, मैं इसका क्या कर सकता हूँ, सिस्टम आप क्या कर सकते हो, उसका एलसीएम ले सकते हो, इसका एलसीएम अदा करते हैं, यानी इसके नीचे बन गया मान लो बेटा 1 मान लो, तो बिल्कुल अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि जीरो तो नॉर्मल चीज है, जो बोलते हैं लोग जीरो से लेकर हीरो तक, क्योंकि ये बात मजा नहीं आया, बल्कि मेरा काम है माइनस से लेकर, माइनस इंटीजर से लेकर, माइनस इंटीजर से लेकर सुपर स्टार तक जाना अपने को, सुपर स्टार तक जाना अपने को, ठीक है। ओके, तो मैं ये कोशिश करूंगा, और जो मेरी मेन क्लासेस रही वो आर्ट्स के स्टूडेंट हमारे हैं उनके लिए बेसिकली मैं क्लास रखता हूँ, क्योंकि मैथ्स का मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं वैसे सिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने देखो अपन मन लिया है ना, मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए ये आवश्यक नहीं है, वो एलसीएम सीधा लेके इसको सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेंगे 1 का डिवाइड 3 में 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 + 2 यानी 17/3, जो कि अपने के फ्रैक्शन, जो कि अपने पास एक फ्रैक्शन है। यदि इसकी बात करें अगर ओनली 5 की, 5 क्या है अपने पास, सर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, क्या है भाई प्राकृतिक संख्या है। इसकी बात करें ये क्या है अपने पास, सही फ्रैक्शन, सही तो भिन्न है अपने पास, क्या है बेटा ये अपने पास है भिन्न। जब एक नेचुरल नंबर को भिन्न के साथ ऐड कर दिया जाता है, जब एक नेचुरल नंबर को या होल नंबर को, मेनली अपन नेचुरल नंबर बोलेंगे यहाँ पर, नेचुरल नंबर को भिन्न के साथ एड कर दिया जाता है तो क्या बनता है, उनके बारे में हम बात करते हैं, ये ठीक है। इसे अपन बोलते हैं बिन, ज्यादातर क्या होती है जो बिन होती है, जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है, यानी आप 17 और 3 के एलसीएम यदि याद करते हो तो अधिकतर इनके क्या आना चाहिए, क्या 1 आना चाहिए, आप उसी को क्या बोलोगे बिन बोलोगे, अन्य तो उसको आप बिन नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं 15 / 5 इसे आप अधिकतर भिन्न नहीं बोल सकते,
जब तक इसका एलसीएम 1 ना आ जाए। यदि आप 1 ना 1 दोनों में से देखो तो इसमें सर कॉमन क्या आ रहा है, सर एलसीएम तो 5 आ रहा है, इसका एलसीएम तो क्या है भाई 5 आ रहा है, तो उसको भी तो हम भी नहीं बोल सकते। हां इसको सिंपली कर लो, इसको और सॉल्व करो तो 3 टाइम्स इसको 1 टाइम 3 अपॉन 1 ऐसे रूप में आप भी बोल सकते, ठीक है। जब मैं यहां बता सकती हूं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 10 हाँ, भी बोल सकते हैं। यानी अपन 3 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा 1 है। हाँ अब इसे अपन क्या बोल सकते हैं, बिन बोल सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर बिन अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, चल जाके। हाँ एक अपन सिंपल अपने को पढ़ना क्या, अपन तो पढ़ रहे हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शन, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, सब इस फ्रैक्शन को चेंज कीजिए ना इसको, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 5/2/3 के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, इसे अपन बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, ठीक। एक चीज और बताऊंगा आपको, जब अपन भाग देते हैं ये अपनी भाग देने का तरीका है बेटा, यहाँ जो मिडिल मिडिल के अंदर लिखा जाता है उसे बोलते हैं भाजी, जो भाग की तरफ यानी जो भाग लगाने वाला है उसे बोलते हैं भाजक, जो अपने पास आंसर आएंगे उन्हें अपन बोलते हैं भागफल, और जो नीचे सेंस जो बचेंगे उन्हें अपन बोलते हैं सेंस, उन्हें अपन बोलते हैं बेटा सेंस, उन्हें अपन बोलते हैं सेंस। तो आपने ये बनाना सीखा होगा है ना, कैसे बनाते हैं आपने ये भी चीज देखी होगी कि सर सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं फिर ये लेते हैं और फिर हम ये लेते हैं, लिखने का तरीका क्या रखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सर भागफल, ओके फिर आप क्या करते हो सेंस पर, ओके बेटा ये भी सही है, बिल्कुल बात अपॉन अपॉन का सर लिखते हैं बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ 5 है मेरा वो तो क्या है हमारा भागफल है, वो तो हमारा क्या है भागफल है, जो दो ऊपर नजर आ रहे हैं वो क्या हमारे सेंस पर लिखे हैं और जो तीन नजर आ रहे हैं बेटा वो है अपने बाजक, वो है अपने बाजक। सबसे खास बात है अपने से तो सबसे खास बात में ये याद रखनी है कि जैसे कि अपने पास में ऐसे लिखूं 5/5 सही 10/2 क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है क्या, नहीं सर ये मिक्स फ्रैक्शन एक प्रॉपर फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, यानी सही चीज मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है, इसको आप सही कर सकते हो, इसे आप सही कीजिए, ठीक है ना। मैं क्या करूँ बेटा, मुझे पता चल रहा है कि सेंस पर तो बड़ा आ रहा है, सेंस पर क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, क्या भाई छोटा, आपने इन चीजों में नहीं देखा क्या, सेंस पर किसको मान देते हैं अपन, सेंस पर किसको किसको कह देते हैं, सेंस पर कह देते हैं सर इससे यदि कोई छोटा नंबर यहाँ आ जाए जिसमें ये नंबर उसके भाग ना दे पाए अपना डिवाइड ना दे पाए उसको अपन सेंस पर कहते थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सेंस पर वैसा भी बड़े होकर बैठे उनको अपन छोटा करना होता है, ठीक है ना। छोटा करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं प्लस 10/2 काट दो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, हालांकि फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन नहीं है एक सिंपल नेचुरल नंबर बन गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो मैं और एग्जांपल आपके सामने दूं देखिए, अपने पास है 3/3 सही 9/2 ये मिल गया, तो आपको नजर आ रहा है सर सेंस पर बड़ा है, सर सेंस पर जो आपका है वो वाचक से क्या बेटा बड़ा है, सेंस पर बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ सर आप इसको कोड कर लिख दीजिए 9 + 2/9/2 3 + 9/2 अब क्या करेंगे बेटा, मतलब 2 का डिवाइड दीजिए इसके अंदर, ओके डिवाइड आप नॉर्मल रूप से भी देख सकते हो 8/4 सेंस पर दस गया 1, इसको कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे बेटा 4 सही फिर 1/2, ठीक है, इसको और बोल के देखो 3 + 4 + 1/2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया सर 7 + 1/2 यानी आप इसको सीधा लिख सकते हो 7 सही 1/2 7 सही 1/2 ये तो अभी अपने बात है फ्रैक्शन की नॉर्मली चलिए।
अपन बात करें साथ में ही के मेरे पास लिखा हुआ है मान लो 30 प्लस 30 माइनस, माइनस करते रहते हैं तो 8 1/4, ये इसको माइनस करना है, इसको अपने को माइनस कैसे करते हैं देखो, है ना सर, सिंपल तरीके से इसको है ना फ्रैक्शन के रूप में, सर को अपना नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेते हैं या फिर कर लेंगे नहीं बेटा, तो स्पीड से करना है। तो सीखना है अपन क्या चीज़ सीखनी है अपन, वही तो चीज़ है ना, इसको अपन किसी वे में कैसे कर सकते हैं वो चीज़ अपने यहाँ पर जानते हैं। इसी पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसको अपन बाद में देखेंगे, इसी पहले मैं आपको बता दूँ कि वन माइनस टू अपॉन थ्री अपने पास है, इसको कैसे सर करें, इजी है सर, क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे सर, यहाँ से 3 माइनस 2 यानी 1 1/4 तो बच गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, ठीक है, यानी मैंने ले लिया 1 माइनस 5 अपॉन 7, इसको कैसे करेंगे भाई सर, इजी है, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, सॉरी एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 7 आ गया, यहाँ पे 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 अपॉन 7, ओके सर। और कोई एग्जाम्पल, यस 116/220 ले लेते हैं, एलसीएम आ गया अपने पास 220 माइनस 116 जो कि अपन माइनस करेंगे वो बच जाएगी अपन हाँ सर, चलो ठीक है। एक आधा और देख लेते हैं, 1 माइनस 7/9, यहाँ एलसीएम 9 हो गया बेटा, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2/9, सर यहाँ पर मुझे कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है सर, नजर मुझे ये आ रहा है, इसको अपन देखो, इसको अपन देखते हैं, यहाँ 3 है यहाँ पर 2 है, यदि आप 3 में से 2 को माइनस हो तो 1 आएगा, यस बिल्कुल, और यहाँ पर सॉरी 3 लिखना था और नीचे आपको ये लिखना है वापस, तो इसमें देखो फिर ये हो रहा है कि 7 में से 5 को माइनस किया तो बेटा 2 आता है, दूसरी बात है नीचे भी 7 लिखना है, ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं, यहाँ 7 है यहाँ 9, 9 में से 7 को माइनस करो क्या आएगा 2 आ रहा है सर, नीचे तो 9 लिखना है। अरे सर इसका मतलब ये हुआ कि भाई अपन जो ये प्रॉब्लम यहाँ पर इतना चल रहे हैं ना, इन चीज़ों को अपने को नहीं चलाना है, इन चीज़ों को अपने को नहीं चलाना है, बल्कि यहाँ पर सीधा आपको 1 का काम करना है, कैसे करोगे, 9 में से 7 को माइनस करो 2/9, 1/3 में से 2 को माइनस करो 1/3, 7 में से 5 को माइनस करो 2/7, ठीक है, इसी प्रकार से यदि अब आप देख सकते हैं सर, ये तो आपने 1 का बता दिया, आगे क्या करना चाहिए, आगे अपने पास क्या था यहाँ पर 30 माइनस 8/2/3 होगा सर, कुछ भी होता है सर, ठीक है ना, इनको कैसे सबसे पहले बेटा अपने क्या करना है, एक आप नॉर्म ब्रेकर से देख लीजिए, फिर इसका अपन सॉल्व फॉर्म जो भी है वो देखिए, 30 माइनस 8 प्लस 2/3 कैसा कर सकता हूँ बेटा, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, ओके जब मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ क्या, ब्रैकेट में ले लीजिए, यदि आप इसमें प्लस ला रहे हो बेटा तो इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि बाहर कौन है माइनस लिया है, बाहर कौन है भाई माइनस लिया है ना, तो इसको आप क्या करोगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लेने के बाद ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला 2/1, ठीक है, अब क्या करना है बेटा अपने को 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ सर, ये आपने क्या कर दिया बेटा, कुछ नहीं किया है, उसी क्वेश्चन में अंदर माइनस वाला गया है, उसी के अंदर मैंने प्लस किया है, यानी मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, मेरे पापा मुझे मेरे को 1 रुपये देते हैं और 1 रुपये वापस ले लेते हैं, तो पूछने वाले पैसे पूछेंगे आपके पास कितने बचे, आपको पता है कितने बचे, 500 बचे, पापा ने सब मजाक किया था, पापा ने किया था मजाक किया था, 1 रुपये दिया और 1 रुपये वापस ले लिया है ना, 500 रुपये बचे वापस, मैंने भी इसमें क्या किया क्वेश्चन के साथ हल्का सा मजाक किया है, मैंने इसको माइनस से घटाया वापस एक, इसको वापस दे दिया माइनस एक को माइनस के इसमें से और एक को वापस दे दिया इसको, ठीक है ना, इससे कोई क्वेश्चन का कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, चलिए फिर ओके सर ये तो समझ में आ गया। अब क्या हो सर, यहाँ पर तो आप एक को घटा लेते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं दोनों मिल जाएंगे, कितने हो गए भाई सर 9 हो गए, ओके प्लस 1 माइनस 2 अपॉन क्या है 3 है, ओके माइनस करो बेटा
माइनस करो दे तो आप कहोगे सर 21 यानी 21 बचेंगे। आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस, ओके वो भी हमने आपको बताया था 1 माइनस 2 आपको 1 माइनस 2 अपॉन 3 बार क्या करना है 3 में से 2 को माइनस करो यानी 1 अपॉन यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इसकी 21 सही 1/3। ओके सर एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर का दिया इसी प्रकार लॉगनेटर्स के फिर शॉर्ट सीखते हैं इसका। चलिए कुछ भी लिखिए 25 प्लस 4 बटा 1 बटा 5 लिख देते हैं। ओके ये क्या करना सर कुछ नहीं करना बेटा इसको तोड़ दो आप 4 प्लस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी तो आप सॉरी 1 अपॉन 5 में लिख दो आप इसको माइनस करना बेटा अपने माइनस सीख लेना माइनस प्लस लिख आप प्लस को ऐड करो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है 25 में 4 को ऐड करना है माइनस में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही हो अपनी सीट में कोशिश कर रहे हैं माइनस 1 अपॉन 5। अब क्या करें सर वही बेटा इसके साथ मजाक कर लो एक छोटा सा ये मजाक कर लिया सर हमने ये हो गया सर 5 माइनस के 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 तो आपको इन्हें धीरे बेटा यहाँ क्या बचेंगे माइनस करेंगे 20 बचे प्लस ये हो गया बेटा अपने पास 5 में से 1 गया 4 1 5 यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गया 20 से 4 बटा 5 20 से 4 बटा 5 सर कितना करना पड़ेगा नहीं बेटा इतना नहीं करना देखिए करना क्या है देखिए करना क्या है ठीक है मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो पढ़ेंगे परसेंटेज और मिक्स फ्रैक्शन आपके एसएस में बहुत ज्यादा यूज आएगी जो अपन किसी चीज में से उसको परसेंट निकालने के लिए घटाएंगे जोड़ेंगे वगैरह वगैरह ना उनके लिए चीजें अपन बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। चलिए तो आपको करना क्या है इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या करना है जैसे आप 4 माइनस कर रहे हो ना यहाँ 4 माइनस ना करके 1 अधिक कर दो यानी 4 से अधिक 5 4 से अधिक 5 यानी 25 में से 25 में से 5 को माइनस करो कितना बचेगा 20 और बाकी 1 के लिए कोई मेथड 4 अपॉन 5 क्या चांस होते वो तो हमने पहले किया था वो देखते हैं बेटा 30 माइनस 8 1 अपॉन से 2 अपॉन 3 था 2 अपॉन 3 करना क्या है 9 माइनस करना है ना कि 8 एक ज्यादा करना है तो 21 माइनस करो 1 अपॉन 3 हो जाएगा सर 3 में से 2 माइनस करना है 3 में से 2 माइनस करना है 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा और नीचे वाला 3 एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अपने पास है 55 माइनस 4 7 अपॉन 9 7 अपॉन 9 करना क्या बेटा एक अधिक माइनस करना है तो 50 प्लस क्या बचेगा बेटा 2 अपॉन 7 बचेगा सर तो 9 बचेगा 2 अपॉन 9 बचेगा यानी 7 माइनस करना है इसमें से 9 में से 9 में से 7 को क्या करना है बेटा माइनस कर देना है तो क्या बचेगा अपने पास 2 अपॉन 9। ओके क्लियर है और देखते हैं अपने पास है 52 माइनस 8 कर 4 अपॉन 5 कर माइनस कर दे माइनस की चीज को 52 में से 9 माइनस करने है ना कि 8 ना कि 8 करने बल्कि 9 करने तो कितने बचेंगे बेटा 43 बचेंगे सब 5 में से 4 को माइनस करो 1 अपॉन दोनों भिन्न अलग अलग इसे बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर उचित भिन्न इसे बोलते हैं बेटा उचित भिन्न यानी थर्ड ग्रेड के लेवल थ्री पे पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो एग्जाम होता है 0 to 1 to 5 क्लास वालों बच्चों के लिए होता है यानी प्राइम या प्राइमरी बोल सकते हैं उनके लिए एग्जाम होता है उनके लिए भिन्न का बारे में जैसे कोई नॉलेज होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं ठीक है यानी तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए इसे बोलते हैं बेटा विषम
इसे बोलते हैं विषम। ठीक है, और मिक्सर बीन के बारे में आपने जो निश्चित बीन है अपनी मिक्स रेक्स उसके बारे में आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज है। होता क्या है इसके अंदर जो न्यूमिनेटर है ना, अपने पास जो अंश है बेटा, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, जो अंश है और ये है अपना हर यानी न्यूमिनेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है उचित बीन के अंदर, उचित बीन के अंदर सर न्यूमिनेटर तो छोटा होता है, इससे बेटा सर न्यूमिनेटर से छोटा होता है। अच्छा, इसके अंदर भाई इससे न्यूमिनेटर ये ना न्यूमिनेटर ये इसमें उल्टा हो जाएगा, न्यूमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, यानी अंश छोटा होगा इससे हर से, अंश बड़ा होगा बेटा इससे हर से, बस यही फर्क है छोटा सा। ठीक है, हालांकि इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं कि एक विषम फ्रैक्शन बोली गई है, बल्कि इसको आप फ्रैक्शन ले कैसे सकते जब तक इसको डिवाइड है, ये डिवाइड हो रही है। ठीक है, हालांकि इसको कितना बोलना पड़ेगा वो बाद में नहीं तो नहीं बोल सकते। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का आपने एचसीएफ निकालो, इन दोनों के आप एचसीएफ निकालो वो क्या आएगा वन आएगा। ठीक है, लेकिन ये विषम बीन से क्या बोलेंगे अपन, ये विषम बीन है और ये उचित बीन है, यानी समाज में फेंकने वाले जिन्हें उचित आ रही है ना, और ये के विषम प्रवृत्ति का आ रही है। ठीक है ना, ये भी दे सकता है और थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल से हम शुरू करेंगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनडीसी वनपाल वन रक्षक और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो लेवल फर्स्ट और सेकेंड के यानी कॉमन जो लेसन है आपके चैप्टर है उनकी चैप्टर की असाइनमेंट, कि भाई इन एग्जामों में ऐसे भी साइड में पढ़ाऊँ सारी चीज़ें, तो काफ़ी बड़ी बात है अपन बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इधर दीजिए, थैंक यू।